शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव धनोली ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर नरनू के मशहूर बाबा बंटी शाह को शिवसेना द्वारा हिमाचल प्रदेश धर्म प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव धनोली ने बताया कि बाबा बंटी शाह को शिवसेना में शामिल किया गया है और पार्टी पूरे देश पर प्रदेश में इनकी सेवाएं लेगी। शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव धनोली ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर नरनू के मशहूर बाबा बंटी शाह को शिवसेना द्वारा हिमाचल प्रदेश धर्म प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर शिवसेना पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव धनोली ने बताया कि बाबा बंटी शाह को शिवसेना में शामिल किया गया है और उन्हें हिमाचल प्रदेश धर्म प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी पूरे देश व प्रदेश में इनकी सेवाएं लेगी। संजीव ने गौ हत्या पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि इस देवभूमि में गाय जिसको हम माता कहते हैं उसकी ये हालत देखकर बहुत दुख हुआ। सरकार एक तरफ तो शराब की बोतल से बिजली बिल से गौ टैक्स लेती है, लेकिन टैक्स कहाँ जाता है? अगर गौ माता ऐसे ही सड़क पर भटकती रहेगी तो टैक्स लेने का क्या फायदा है? ये पैसा गौशाला में लगाया जाए और गौ माताओं को गौशाला में रखा जाए, न कि सड़क पर छोड़ा जाए। इसके बारे में शिवसेना पंजाब राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन कर रही है। हिमाचल प्रदेश में दूसरी समस्या ये है कि यहाँ के जितने भी शक्तिपीठ मंदिर हैं, उसका चढ़ावा या तो मंदिर वाले या तो सरकार के नुमाइंदे अपनी जेब में डालते हैं। इस पैसे को गौ माता के लिए एक ऐसा संगठन तैयार करके कमेटी बना रहे हैं जो मुख्यमंत्री से मिलकर उनसे बात करेगी कि ये गौ टैक्स कहाँ जाता है और मंदिरों का चढ़ावा कहाँ जाता है। संजीव धनोली ने धर्म परिवर्तन के बारे में कहा कि बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर ईसाई धर्म की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि यहाँ पर गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। शिवसेना इस पर संज्ञान लेती है कि पहले हम प्रशासन से बात करते हैं, अगर फिर भी हमें पता चले कि कोई धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो बिल्कुल उनकी पिटाई की जाएगी। देवभूमि में ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायत चुनावों में हर जगह में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, किसी भी पार्टी से किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं किया जाएगा। हिमाचल व पंजाब के प्रभारी सतीश महाजन ने प्रदेश अध्यक्ष को फतेहपुर से चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया है और अभी से ही तैयारी करने को बोल दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से रमेश कालिया शिवसेना उम्मीदवार होंगे। कि बाबा लाडी जी के स्थान पे जो गद्दी नवीश बाबा जी बाबा बंटी जी शाह यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इनका नाम है, आज इन्होंने परिवार सहित शिवसेना पंजाब में का दामन पकड़ा है, आज हम इनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और जो ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी ये लोगों का भला कर रहे हैं। इन्हें धर्मगुरु की पद्धति से नियुक्त किया जाता है, ये हिमाचल में धर्म प्रचार का काम करेंगे और लोगों का जैसे पहले भी सेवा करते आए हैं और पार्टी भी इनके साथ पूरे देश में इनके साथ और इनकी सेवाएं लेगी और जो इनको जरूरत होगी पार्टी इनके साथ खड़ी होगी। अभी जो गाय हत्या की जा रही है तो इसके प्रति क्या है आपका सरकार के प्रति संदेश? दूसरी ये बड़े दुख की बात है कि ये देवभूमि में गऊ जिसको हम माता कहते हैं उसकी ये हालत देख के हमें बड़ा दुख हुआ। सरकार एक तरफ तो शराब की बोतल से बिजली बिल से को टैक्स लेती है, वो टैक्स कहाँ जाता है? अगर गौ माता ऐसे ही रोड पे भटकती रहेगी तो टैक्स लेने का क्या फायदा? वो पैसा यूज करके गौशाला बनाई जाए। तो जो विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर है उसमें रमेश काली जी काफी काम कर रहे हैं, तो इनकी टिकट का क्या है? देखो जी, जिस टाइम इलेक्शन आते हैं बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया है कालिया जी को, इस बार आप खड़े हो जाओ, जितना प्रभु का काम है और इनकी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम गाँव गाँव जा रहे हैं, पूरे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहे हैं, काम करवा रहे हैं और इलेक्शन आएंगे और यही इलेक्शन लड़ेंगे कालिया जी और जीतकर पब्लिक के सामने आएंगे जी। बिल्कुल, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ, देवभूमि में आज हमारे राष्ट्रीय प्रमुख श्री संजीव धनोली जी पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी हिमाचल की तमाम जनता की ओर से श्री आदरणीय अपना धनोली जी की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आज हिमाचल का दौरा किया है। इससे पहले हम ऊना में थे, ऊना में बहुत बड़ा एक आज कॉन्फ्रेंस हुई है